हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंसवुड एजुकेशन में। आज मैं आपको ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दामोदर नदी घाटी परियोजना कौन सी नदी मॉडल पर आधारित है? हडसन नदी, रियो ग्रांडे नदी, टेनेसी नदी, मैकेंजी नदी। तो उत्तर है टेनेसी नदी। यूएसए की जो टेनेसी नदी है उस घाटी परियोजना पर हमारी जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है वह आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वतमाला का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? उत्तर से पूर्व, दक्षिण से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम। तो उत्तर है उत्तर से दक्षिण। उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वतमाला उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है, जो कि एक टर्शरी युग के वलनदार पर्वत का उदाहरण है। और इसमें से पूछा सकता है रॉकी पर्वत की सर्वोच्च श्रेणी कौन सी है? माउंट एल्बर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राजील में उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? लानोस, पंपास, कंपास, सेल्वास। उत्तर है कंपास। ब्राजील में भूमध्य रेखी वन सेल्वास कहलाते हैं और उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कंपास कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टिटिकाका झील के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? विश्व की सबसे ऊंची नौका गम्य झील है, यह एक कैटल झील है, ब्राजील इक्वाडोर की सीमा बनाती है, इसे हनीमून झील भी कहते हैं। तो आपका गलत है, ब्राजील इक्वाडोर की सीमा बनाती है। दक्षिणी अमेरिका में पेरू व बोलविया सीमा पर विश्व की सबसे अधिक ऊंची नौकायन झील स्थित है, कौन सी? टिटिकाका झील। पूछा सकता है कि सबसे अधिक ऊंची नौकायन झील कौन सी है? टिटिकाका झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका में अटाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है? उत्तरी चिली, उत्तरी अर्जेंटीना, दक्षिणी ब्राजील, दक्षिणी इक्वाडोर। तो उत्तर है कहाँ पे स्थित है? उत्तरी चिली में। अर्जेंटीना में स्थित पेंटागोनिया का मरुस्थल एक ठंडा मरुस्थल है, एवं जो अटाकामा का मरुस्थल है वो कैसा है? शुष्क मरुस्थल है, इसे कह सकते हैं गर्म मरुस्थल है। ठीक है, और अटाकामा मरुस्थल में नाइट्रेट के भंडार भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? पेंटागोनिया का पठार, माटोग्रासो का पठार, वोल्विया का पठार, बोरबरिया का पठार। तो उत्तर है बोलिविया का पठार, जो कि टिन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल ग्रहण क्षेत्र के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी, नील नदी, उरुग्वे नदी, पराना नदी। तो उत्तर है अमेजन नदी। विश्व की नील नदी के पश्चात दूसरी सबसे लंबी जो नदी है वो कौन सी है? अमेजन नदी। विश्व में सबसे अधिक जल प्रवाह इसी नदी के द्वारा होता है, और अमेजन में पाए जाने वाले विषुवतरेखीय वनों को सेल्वास भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में मध्य अमेरिका का देश है? ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, होंडुरस या उपयुक्त सभी। उत्तर है उपयुक्त सभी। तो मध्य अमेरिका में कुल 7 देश आते हैं। फर्स्ट है ग्वाटेमाला, बेलिस, एल सल्वाडोर, होंडुरस, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोहान्सबर्ग निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? सोने की खान, पेट्रोलियम, लौह अयस्क और हीरे की खान। उत्तर है सोने की खान। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगर या स्वर्ण मंडी के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध किम्बरले की जो खान है वो कहाँ स्थित है? उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका या एशिया। तो अफ्रीका महाद्वीप में किम्बरले की जो हीरे की खान है वह प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्र में आसवान बांध में कौन सी नदी स्थित है? नील नदी, कांगो नदी, नाइजर नदी, जाम्बेजी नदी। तो उत्तर है नील नदी। नील नदी पर मिश्र में नासिर झील भी स्थित है। आसवान बांध से सिंचाई के लिए नहरें भी निकाली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? पिग्मी, बुशमैन, मसाई, बद्दू। उत्तर है बुशमैन। अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन व जुलू जनजाति पाई जाती है। कालाहारी का जो शाब्दिक अर्थ है वो जलहीन स्थान होता है। एटलस पर्वतमाला अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम। आप इस सभी इसका जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में, जो पिछला वीडियो था, मैंने उसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, कुला कांगड़ी पर्वत शिखर किस में स्थित है? तो भूटान में स्थित है, ठीक है। जीके के सभी वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक में जाकर देख सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।